हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकॉर्डियन प्रोजेक्ट इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस का यूज़ करके हम एकॉर्डियन प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। सो आप लोगों ने इसे एफएक्यू की तरह भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन है, देन हमारे पास एक प्लस का आइकन है। सो जैसे ही हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें डेटा शो हो रहा है और आइकन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। देन फिर से हम क्लिक कर रहे हैं तो डेटा हाइड हो रहा है, देन हम क्लिक कर रहे हैं तो डेटा शो हो रहा है, देन हाइड हो रहा है और आइकन भी चेंज हो रहा है। आप लोग देख सकते हो ये सभी पर हमने अप्लाई किया है। आज की वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि जो रिएक्ट के हुक है, उन मेथड्स है, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए और इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सभी चीज़ों का आज हम देखेंगे। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें, और अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। सो हमारा रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रैच से देखेंगे कि हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाना है सभी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें फोल्डर कैसे बनाना है, फिर रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारी रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ का। सो सभी चीज़ें हम स्क्रैच से देखने वाले। सो आपको यहाँ पर फाइल्स के अंदर चले जाना है। हम यहाँ पर फाइल्स के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले हम डी ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब डी ड्राइव के अंदर मेरे पास यूट्यूब एक फ़ोल्डर है, मैं इस यूट्यूब फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, ओके। देन मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के लिए और उसका नाम भी है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, आप लोग देख सकते हो। और इस रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं यूट्यूब फोल्डर के अंदर। यूट्यूब फोल्डर के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट नेम से। सो आप लोगों को भी फोल्डर बना लेना है आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए, आप कोई भी नेम से बना सकते हैं, ठीक है। देन आपको इस तरीके से आप जब प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूट्यूब रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली, देन आपको CMD लिखना है। जैसे ही आप CMD लिखेंगे आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो CMD है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो CMD है आपके पास वो ओपन हो जाएगा और इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस तरीके से आपके पास CMD ओपन हो चुका है। देन अगर आप चाहे तो यहाँ पर CMD लिखेंगे आप, तो यहाँ पर से भी आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट को इंटर करके ओपन कर सकते हैं। देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा चेंज डायरेक्टरी। पहले आपको YouTube फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर चेंज डायरेक्टरी करके रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके सेम हैं, दोनों ही तरीके वैलिड है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो हमने आला तरीका यूज़ किया है ये शॉर्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस तरीके से। तो हमने एंटर कर दिया और जो हमारी इंस्टॉलेशन है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। सो इट टेक्स लिटिल टाइम, ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और ये हमें खुद ही सजेशन करता है कि आपको फिर से लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखना है आपको। तो आपको लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस तरीके से। देन आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देना है, प्रोजेक्ट का नेम आप स्मॉल लेटर में ही दें, ठीक है। तो हम दे देंगे एकॉर्डियन प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है एकॉर्डियन प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी अब स्टार्ट हो चुकी है इंस्टॉलेशन, आप लोग देख सकते हो। और ये थोड़ा टाइम लेता है, आपके इंटरनेट स्पीड पर भी ये वेरी करता है। सो हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो रिएक्ट है इंस्टॉल हो चुकी है। देन आपको क्या करना है, अब जो हमने अकॉर्डियन प्रोजेक्ट जो बनाया था, इस प्रोजेक्ट का हमारे पास फोल्डर भी बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डियन प्रोजेक्ट का फोल्डर बन चुका है इस रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर उसकी चेंज डायरेक्टरी करना है, मतलब हमको उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो आपको लिखना है अकॉर्डियन प्रोजेक्ट, इस तरीके से। तो हम अकॉर्डियन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। देन अब आपको क्या करना है, npm स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ से भी जो हमारे पास फोल्डर है उसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप ओपन विथ कोड करके भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम ओपन विथ कोड करके कर लेंगे या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कर देंगे npm start, तो जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है।
और यहाँ पर हम एकॉर्डियन प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ओके, और ये देखिए हमारे यहाँ पर NPM स्टार्ट हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सभी चीज़ें नोड मॉड्यूल, पब्लिक फोल्डर, SRC फोल्डर, यहाँ पर सभी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा NPM इंस्टॉल होने में, आप लोग देख सकते हो। ये पूछ रहा है पहले से एक पोर्ट रन कर रहा है, आप क्या फिर से रन करना चाहते हो? यस, हम इसे यस कर देंगे और ये NPM स्टार्ट हो रहा है। पर हम एक कंपोनेंट बना लेंगे, तो SRC के अंदर यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। सो कंपोनेंट नहीं, एक फोल्डर बना लेंगे बेसिकली, उस फोल्डर का नाम होगा कंपोनेंट, मींस इसके अंदर हमारे सभी कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर न्यू फाइल मींस एक कंपोनेंट बनाएंगे और उसका नाम होगा एकॉर्डियन, एकॉर्ड लिख रहे सिर्फ, accord.js, ठीक है, एक ये हो गया। देन एक और हम फाइल बनाएंगे, मींस कंपोनेंट बनाएंगे UI.js, जिसमें हमारे पास UI होगी, और एक और बना लेंगे हम कंपोनेंट जो कि होगा हमारा डेटास, जिसके अंदर हमारे पास पूरा की पूरा डेटास होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट के अंदर तीन हमारे पास एकॉर्डियन, डेटा और UI, तीन हमने कंपोनेंट बना लिए। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है NPM इंस्टार्ट हो चुका है और हमारा कुछ रिएक्ट टैप कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम एकॉर्डियन कंपोनेंट के अंदर है और यहाँ पर हम इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से सेव कर लेंगे और app.js के अंदर आएंगे और ये जो सभी चीज़ें दिख रही है हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये जो लोगो आपको दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वो इसी की वजह से दिख रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। सिंपल हम इस एकॉर को ले देंगे, एकॉर्डियन जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आ चुका है और वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है एकॉर फ्रॉम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एकॉर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, हमें यहाँ पर दिखना चाहिए एकॉर, रिफ्रेश कर लेंगे इसे एक बार। सो अब हमें ये एकॉर दिख रहा होगा। इसी तरीके से जो UI है, UI के अंदर भी हम FCE React Arrow Function Component Export का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिख देंगे, सेव कर लेंगे। देखिए रिफ्रेश हो रहा है ये और देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें एकॉर दिख रहा है, मींस ये सक्सेसफुली हमारे पास कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। देन अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करना है, हमें एकॉर्डियन प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें एज एन API की तरह हमें एक डेटा को इंटर करना होगा। हम यहाँ पर रियल API तो यूज़ नहीं कर रहे अभी, रियल API कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको फेच करते वो भी देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमें एकॉर्डियन बनाना है। तो एकॉर्डियन अगर हमें बनाना है तो हमें डेटा तो यार कहीं से चाहिए, मतलब वो हमने जो देखा था कि भाई रिएक्ट क्या है, ये जो हम देख रहे थे व्हाट इज़ रिएक्ट, फिर उसका जो आंसर आ रहा था, तो ये डेटा हमें चाहिए कहीं से, ये डेटा को हमें कहाँ से लाना पड़ेगा। तो उसी डेटा को हम यहाँ पर हमारे डेटास डॉट जो कॉम्पोनेंट है इसके अंदर बनाएंगे। तो देखिए आपको इसके लिए क्या लिखना है, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट लिखना है। देन आपको कॉन्स्ट और आप कुछ भी नेम दे सकते हो, डेटा मैं डेटा दे रहा हूँ वेरिएबल का नाम, और ये एक एरे होगा, एरे के अंदर मेरे पास एज एन ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर मेरे पास क्या होंगे, एज एन ऑब्जेक्ट होंगे। कैसे होंगे देखिए, एरे के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी मेरे पास ID होगी, ID 1 होगी इस तरीके से। देन मेरे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन लिख देंगे, जैसे वॉट इज़ React.js इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। देन फिर से आपको कॉमा देना है, फिर ANS आंसर लिखना है और आपको बता देना है कि React एक फ्रंट एंड JavaScript की लाइब्रेरी है। तो इसी तरीके से हमारे पास सभी के सभी यहाँ पर पूरा डेटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमने इसको पहले से कॉपी करके रखा है ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इतना सारा आंसर लिखने में। आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पूरा उसके आंसर लिखा है कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, कंप्लीट चीज़ें लिखी। तो इस तरीके से हमने एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट डेटा, एक डेटा वेरिएबल के अंदर हमने इस पूरे को
स्टोर कर दिया और इसे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यहीं के यहीं। एक्सपोर्ट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। देन हम एकॉर्डियन हमारा जो कॉम्पोनेंट है यहाँ पर आ जाएंगे और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इसे इम्पोर्ट करना है, मतलब इस डेटा को हमें यूज़ करना है। तो इम्पोर्ट, देन आपको यहाँ पर लिखना है एकॉर्डियन को कहाँ से, हमें यार एक कॉम्पोनेंट है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास डेटा से एक कॉम्पोनेंट है, अगर हम डबल दो बार डॉट डॉट लिखे तो देखिए मेरे पास आ रहा है कॉम्पोनेंट्स फोल्डर, और कॉम्पोनेंट्स फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, डेटाज, तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो ये एकॉर्डियन है, ये आ चुका है हमारे पास। अगर मैं इसको आपको लॉक करके बताऊँ, कंसोल डॉट लॉक करके बताऊँ कि क्या है इस एकॉर्डियन में, सेव करेंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि यार इसके अंदर क्या है। तो देखिए अभी तो हमें यहाँ पर कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पर, सो बेसिकली देखिए एक हमारे से एक गलती हो गई है, ओके। और ये आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर मेरे पास क्या नाम से, कंपोनेंट के अंदर मेरे पास है डेटाज नाम से कंपोनेंट, उसके अंदर मेरे पास ये सभी चीज़ें काहे में स्टोर है, पूरा डेटा किस में स्टोर है, तो वो डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मुझे यहाँ पर एकॉर्डियन को नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पर डेटा को लिखना है, सिंपल इस तरीके से। और हम कंसोल भी क्या करेंगे, डेटा को करेंगे, क्योंकि यार पूरा डेटा जो है इस डेटा वेरिएबल के अंदर आ रहा है, डेटास कंपोनेंट के अंदर से। सेव कर लेंगे, देखिए अब कोई एरर नहीं है, आपको सिंपली कंसोल पर चले जाना है। और आप लोग देख सकते हो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने वहाँ पर डेटा लिखा था, पूरा की पूरा डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखिए ज़ीरो नंबर पे हमें मिल रहा है, जिसकी आईडी 1 है, जिसके अंदर आंसर है रिएक्ट फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। सो आप लोग देख सकते हो जो हमने वहाँ पर लिखा है वो पूरा की पूरा हमें डेटा यहाँ पर मिल रहा है, हु डेवलप रिएक्ट जेएस, जॉर्डन वॉक, और ये एज एन हमें एरे मिल रहा है, एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अभी हमारे पास 5 डेटा है तो 5 ऑब्जेक्ट है, अगर हम 10 रख देंगे तो 10 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमने डेटास कंपोनेंट के अंदर ये डेटा को एक्सपोर्ट किया, लिखा है, और उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, और ये हमें एज एन एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि हमें ये एरे की तरह रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसको आइट्रेट करना होगा, सेपरेटली आइट्रेट करना होगा, ताकि हम हर एक चीज़ को यूज़ कर सके। सो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर आ जाना है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एम्प्टी टैग को ले लेंगे ताकि मल्टीपल हम जेएसएक्स को, जेएसएक्स एलिमेंट को लिख सके, ठीक है। देन आपको यहाँ पर दे देना है इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की जो मेथड्स है उनको लिखने वाले हैं, तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखो एचटीएमएल के अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस देना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा की पूरा डेटा किसके अंदर है, इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आइट्रेट करना है, तो सिंपली डेटा डॉट मैप, मैप मेथड का यूज़ करना है। मैप मेथड क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू एरे, ये हमें एक नया एरे क्रिएट करता है और ये आइट्रेट करके देता है हमें, मींस ये सेपरेट सेपरेट करके देगा हमें सभी चीज़ें। सो मैप मेथड के अंदर ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे सबसे पहले करंट वैल्यू दे देंगे हम, करंट वैल, या फिर आप करंट एलिमेंट दे देंगे इस तरीके से। देन हमारे पास होता है इसके अंदर करंट एलिमेंट, एरे, इंडेक्स नंबर, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें एरे की तो अभी नीड नहीं है, हम यहाँ पर इंडेक्स दे देंगे, इंडेक्स की भी हमें ऐसी कोई नीड है नहीं वैसे तो। इस तरीके से फैट एरो फंक्शन दे दिया हमने, कॉल बैक फंक्शन ये लेता है, उसके अंदर ये फैट एरो फंक्शन लेता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉक करूँगा ना, अगर कंसोल डॉट लॉक कर लेंगे हम यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉक, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉक करेंगे करंट एलिमेंट को। सो अभी जो हमें पहले जो डेटा ये एरे के अंदर आ रहा था, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, अब ये जो हमें डेटा है ये आइट्रेट होके मिलेगा, मींस ये डेटा सेपरेट सेपरेट होके मिलेगा, आप लोग ये देखना। इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार इसे रिफ्रेश कर लेंगे। सो ये रिएक्ट हमारा ऐप रिफ्रेश हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमें जो पूरा डेटा है सेपरेट सेपरेट होके मिल रहा है। देखिए हमारे पास आईडी 1 का जो पूरा डेटा है वो आ चुका है, आईडी 2 का पूरा डेटा आ चुका है, आईडी 3, आईडी 4, आईडी 5 का, तो पूरा डेटा हमारे पास सेपरेट सेपरेट आ चुका है। अगर मुझे सिर्फ उसका क्वेश्चन चाहिए तो मैं करंट एलिमेंट डॉट क्यू लिख दूंगा,
तो मुझे सभी के सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हमने रिफ्रेश कर दिया, सभी के हमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम करंट एलिमेंट डॉट आंसर कर दे तो सभी के हमें आंसर मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर व्हाट इज़ रिएक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर करंट एलिमेंट डॉट क्यू करा है, मीन्स क्वेश्चन, मीन्स आप सिर्फ क्वेश्चन बताओ। तो रिएक्ट क्या है, हु डेवलप रिएक्ट जेस, व्हेन रिएक्ट जेस डेवलप, सभी के हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर हम आंसर कर देंगे तो अभी सभी के हमें आंसर मिलेंगे। सो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर इस डेटा के ऊपर मैप मेथड का यूज़ किया है, जो कि मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे और ये आइट्रेट करता है वैल्यू को। तो इसकी हेल्प से हमने सभी वैल्यू को आइट्रेट किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास देखिए अब डेटा उस फोल्डर से आ चुका है, इस डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है, इस तरीके से यहाँ पर हमें शो करना है इस डेटा को। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए हमने पढ़ा है कि रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट, हमें कंपोनेंट की हेल्प से हम रीयूज कोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे, मींस ये हमें रिटर्न करके देगा, मींस ये उस चीज़ को प्रिंट करके देगा। और ये जो हमारे पास एक कॉम्पोनेंट है यूआई, इस यूआई कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो यूआई कंपोनेंट है इंपोर्ट भी हो चुका है और हम इस यूआई कंपोनेंट को यूज़ भी कर रहे हैं, मीन्स हम इस रिटर्न कर रहे हैं इस यूआई कंपोनेंट को। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस यूआई कंपोनेंट को रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हम ये मैप मेथड चल रही है तो इस यूआई कंपोनेंट को हम शो करेंगे। अब इस यूआई कंपोनेंट को हम शो करेंगे और इसके अंदर हम प्रॉप्स को पास करेंगे। प्रॉप्स क्या पास करेंगे, तो बेसिकली इस यूआई कंपोनेंट के अंदर, इस यूआई कंपोनेंट के अंदर हमें वो सभी चीज़ें दिखाना है, वो क्वेश्चन आंसर्स दिखाना है। तो कैसे, यहाँ पर डेटा आएगा, मींस मुझे यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजना है। तो हम कैसे भेज सकते हैं, प्रॉप्स की मदद से। अगर गाइज आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही है जैसे प्रॉप्स के अंदर, स्टेट के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और जो आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका डाउट क्लियर होगा तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोजेक्ट को बनाएंगे और आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो पहले आप आपका अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर ले। तो हम यहाँ पर प्रॉप्स को पास करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट के अंदर हम पास कर देंगे करंट एलिमेंट को, ठीक है। करंट एलिमेंट मेरे पास एज अ वेरिएबल होगा, उस करंट वेरिएबल के अंदर मैं जो करंट एलिमेंट मेरे पास जो डेटा आ रहा है इसके अंदर मेरे पास पूरा की पूरा डेटा है, मैं उसको पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लेंगे और जब हमने प्रॉप्स पास किया तो उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो प्रॉप्स, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और हम अगर लॉग करेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर करूँगा प्रॉप्स कंसोल में करूँगा तो मुझे यहाँ पर पूरा डेटा मिल रहा होगा प्रॉप्स का। आप लोग देख सकते हो करंट एलिमेंट, ये मुझे पूरा डेटा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से प्रॉप्स डॉट, हमने करंट एलिमेंट को किस में स्टोर कर रखा है, हमने करंट एलिमेंट को करंट एलिमेंट नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करके रखा है। तो आपको लिखना है करंट प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट, इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे हम, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। प्रॉप्स की मदद से हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर दिया। बट आप ये जो लिख रहे हैं प्रॉप्स डॉट करंट एलिमेंट, अगर आपको ये सही नहीं लिख रहा, आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस और जो वेरिएबल का नाम है करंट एलिमेंट वो लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी आप कंसोल करेंगे तो ये आपको पूरा सेपरेट इस तरीके से डेटा देगा, सिंपल है। हमारे पास ये पूरा की पूरा डेटा आ चुका है और हम यहाँ पर एम्प्टी टैग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एक ड्यू बना लेंगे और इस ड्यू की जो मेरे पास क्लास होगी, क्लास नेम मेरे पास होगा लेट से एकॉर्डियन, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास नेम मेरे पास होगी QNS क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक बटन होगा, ओके। अभी हम इसको प्लस दे दे रहे हैं, हम आइकन का यूज़ करेंगे वैसे तो। और मेरे पास यहाँ पर एक H3 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये H3 के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है, ओके। तो आप देखिए हमारे पास H3 के अंदर क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली कैसे लिखना है इसको,
जब भी आप यूज़ करें जावा स्क्रिप्ट को तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना है इस तरीके से। देन आपको करंट एलिमेंट के अंदर मेरे पास सभी चीज़ें आ रही है, तो आपको सिंपली लिखना है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आपको क्यू लिख देना है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे, क्यू एन एस ड्यू के बाहर, और एक पी टैग ले लेंगे। पी टैग के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के अंदर अब मुझे यहाँ पर इस पी टैग के अंदर क्या बताना है, आंसर शो करना है, तो ए एन एस लिख देना है, क्योंकि हमने डेटास के अंदर क्यू लिखा है और ए एन एस लिखा है, इसीलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे। तो बेसिकली ये यूआई की हेल्प से हम ये जो पूरा डेटा है, जो हमारा डेटा है, उसको हम यहाँ पर हमारे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, और ये प्लस का आइकन, और उसका आंसर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसके ऊपर ये कलर कैसे आया, बेसिकली ये बॉर्डर रेडियस कैसे ही, तो यार हमने इसके ऊपर ऑलरेडी इसके अंदर एक CSS फाइल को ऐड कर रखा है, index.css फाइल को हमने ऐड कर रखा है यहाँ पर, इसलिए ऐड कर रखा है पहले से, क्योंकि CSS में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए मैं एक बार आपके लिए अच्छे से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी हमने CSS दे के रखी है, ठीक है। और मैं आपको कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। तो जो हमारा काम था कि जो हमें डेटा शो करना था वो हमने शो कर दिया, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारे पास अब हमें क्या करना है, हमारा जो काम था कि हमें डेटा शो करना है वो हमने शो कर दिया है, ठीक है। देन अब हमारे पास जो काम है इसको सबसे पहले तो अलाइन करना सही तरीके से, और जो हमारे पास index.css फाइल है आप लोग देख सकते हो इसमें हमारे पास पूरी की पूरी CSS लगी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया है और सभी चीज़ें अलाइन हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हो हमारे पास सभी चीज़ें आ रही है। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारा मेन लॉजिक था कि इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तभी मुझे ये डेटा शो हो, अदरवाइज़ ये डेटा ना शो हो, ओके। सो हमें सबसे पहले ये काम करना है। सो सबसे पहले हम चले जाएंगे, देन हमने आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे पास आइकन है प्लस का आइकन, इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको हम यूज़ कर रहे हैं हमारे UI के अंदर। यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया, ये प्लस का आइकन है। इसी तरीके से हमें एक और माइनस का आइकन चाहिए, ठीक है। बट हमें ये कब दिखाना है, ओके, जब हम क्लिक करें तो हमें प्लस का आइकन शो हो, जब हम फिर से क्लिक करें तो आइकन चेंज हो, इस तरीके से डेटा शो हो रहा हो, ये पूरा लॉजिक हमारे पास चल रहा होगा। सो देखिए इसके लिए हम एक यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा सेट डेटा, देन आपको यूज़ स्टेट इस तरीके से लिखना है। जैसे हम यूज़ स्टेट हुक हमने लिखा तो ये इम्पोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिक, आप लोग देख सकते हो। अगर ये इम्पोर्ट नहीं होता है तो आपको इम्पोर्ट कर लेना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, सिंपल। हमको यहाँ पर फॉल्स दे देना है, मीन्स अभी जो है ये फॉल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, बेसिकली यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स कंडीशन की तरह ही होता है, एक वन लाइनर कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा जो हमारे पास जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं, वो मेरे पास डेटा के अंदर आ जाती है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो यार तो प्लीज़ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए डेटा अभी हम क्या बोल रहे हैं, डेटा अभी क्या है, फॉल्स है। हम ये बोल रहे हैं अगर डेटा ट्रू है, ये देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लिखना है, अगर डेटा ट्रू है तो याली कंडीशन चलेगी, जिसमें हम बोल रहे होंगे याला, इसको हम प्लस आइकन को कॉपी कर लेंगे। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, जैसे मैं अभी फॉल्स है मेरे पास, प्लस होगा बेसिकली, तो हमें क्या बताना है, जैसे ही डेटा ट्रू हो तो हमें कॉपी कर लेंगे इसे अभी और इस डबल कोट्स के अंदर इसे रख देंगे। तो अगर डेटा ट्रू हो तो ये चले, नहीं तो हमें इस तरीके से कॉलन देना है, नहीं तो ये चले इस तरीके से। आई थिंक हमें यहाँ पर डबल कोट्स नहीं पास करना है, इस तरीके से ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें आना है और हमें यहाँ पर माइनस का आइकन सर्च कर लेना है, तो ये हम फॉन्ट आइकन पर है। सो अगर गाइज आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉन्ट आइकन को, सो
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया कि फॉन्ट आइकन को कैसे यूज़ करना है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस इंटर कर दिया है और इस पर आपको क्लिक करना है माइनस के ऊपर और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो देखिए अभी हमारे पास क्या होगा, अभी सबसे पहले देखिए अभी हमारे पास होगा लेट से अभी इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसकी कंडीशन अभी फॉल्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटा। डेटा अगर ट्रू होता है तो ये चले, अगर फॉल्स होता है तो ये चले। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले यार दिखाना है प्लस दिखाना है, तो हमें यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। मीन्स ये कोलैप हो चुका है, माइनस यहाँ आना चाहिए, प्लस यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे एफ ए प्लस और इसे कर देंगे हम एफ ए माइनस, क्योंकि जब डेटा अगर अभी अभी डेटा क्या है, अभी डेटा फॉल्स है, तो अभी डेटा फॉल्स है मतलब ये वाली कंडीशन चलेगी प्लस वाली, हमें अभी प्लस दिखेगा जो कि सही है। देखिए अभी हमें प्लस दिख रहा होगा, हमने रिफ्रेश कर दिया, अभी प्लस दिख रहा है हमें जो कि बिल्कुल सही है। हम इसके ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे हम इसके ऊपर और इसका हम नेम दे देंगे शो हाइड, शो हाइड इस तरीके से। इस इवेंट को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे शो हाइड इस तरीके से और ये जो सेट डेटा है, सेट डेटा एक अपडेटेड स्टेट है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे नॉट डेटा। नॉट डेटा का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो डेटा की वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। नॉट डेटा का मतलब ये है कि जो उसकी वैल्यू है उसको वो उल्टा कर देगा, अभी फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, अगर ट्रू हुई मैंने फिर से क्लिक किया तो फॉल्स कर देगा, मीन्स ये उल्टा कर देगा उसको। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आइकन के ऊपर, हम क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा और कंडीशन चेंज होंगी और हमें माइनस का आइकन दिख रहा होगा। देखिए माइनस का आइकन हमें दिख रहा है, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास प्लस का आइकन आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो माइनस का आइकन, फिर से उसी पर क्लिक कर रहे हैं तो प्लस का आइकन। तो ये जो हमारे पास जो लॉजिक है ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास सेकेंड वर्क क्या है, हमारे पास सेकेंड काम ये है कि जब इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक करूँ, ओके, सबसे पहले तो मेरे पास ये डेटा शो ना हो, अभी मैं ये चाहता हूँ, है ना, सबसे पहले मुझे डेटा हटाना है यहाँ से। तो वो कैसे करना है आपको, देखिए उसके लिए यहाँ पर हम एक टर्नरी ऑपरेटर का ही यूज़ करेंगे इस पी के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा, अगर डेटा अभी क्या है, डेटा अभी फॉल्स है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, अभी क्या है, डेटा अगर ट्रू होता है, अगर डेटा ट्रू होता है, अभी क्या है, फॉल्स है, अगर डेटा ट्रू होता है तो मुझे क्या दिखे, करंट एलिमेंट डॉट आंसर दिखे मुझे, नहीं तो कॉलन लिखना है, नहीं तो हम यहाँ पर क्या देंगे, डबल कोट्स के अंदर एम्प्टी, मतलब मुझे कुछ ना दिखे। तो अभी डेटा क्या है, अभी डेटा फॉल्स है, ओके, और डेटा अभी फॉल्स है मतलब अभी प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन है अभी डेटा फॉल्स है तो अभी मुझे क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जब मैं प्लस साइन पर क्लिक कर दूंगा, प्लस साइन पर मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और डेटा जैसे ही ट्रू हुआ तो हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट का जो आंसर है वो शो कर दो। सेव करेंगे, आप लोग देख सकते हो सभी के सभी डेटा यहाँ से हट चुका है और हमने इसको रिफ्रेश कर लिया एक बार, तो आप लोग देख सकते हो सभी के सभी यहाँ पर डेटा भी हट चुका है। ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो परफॉर्म कर रहा है हमारे पास, जैसे ही मैं प्लस आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो मेरे पास डेटा शो हो रहा है और आइकन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर से मैंने क्लिक किया तो फिर से डेटा हाइड हो गया, आप लोग देख सकते हो कितना ये बेटर तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा है और ये सभी पर अप्लाई हो रहा है। व्हेन रिएक्ट जेएस डेवलप इन 2013, व्हाट इज कॉम्पोनेंट इन रिएक्ट जेएस, कॉम्पोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड रियूजेबल बिट ऑफ कोड। टाइप ऑफ रिएक्ट जेएस क्या है, टाइप्स क्या है कॉम्पोनेंट के रिएक्ट जेएस में, तो फंक्शनल कॉम्पोनेंट होता है, क्लास कॉम्पोनेंट होता है। सो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा FAQ सेक्शन है परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली, जिसमें देखिए हमारे पास जो लॉजिक था, लॉजिक हमारे पास यहीं पर था कि जैसे ही अगर यार डेटा
अगर डेटा भी क्या है, फॉल्स है, अगर डेटा फॉल्स है तो हमें कुछ भी मत दिखाओ क्योंकि अभी डेटा फॉल्स है। अगर डेटा जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन क्लिक करूँगा, मतलब मैं जैसे ही प्लस बटन पर क्लिक करूँगा, तो जो डेटा है वो क्या हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है। जैसे ही ट्रू होता है तो आप हमें आंसर बता दो। फिर से मैंने उस पर क्लिक किया, अब जैसे ही मैंने फिर से माइनस के ऊपर क्लिक किया तो अब फिर से ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो हमने बोला डेटा हटा दो। सो आप लोग देख सकते हो ये इसका लॉजिक था। इसके पीछे हमने यूज़ स्टेट हुक को, टर्नरी ऑपरेटर को, प्रॉप्स को यूज़ किया है इस पूरे अकॉर्डियन प्रोजेक्ट में। सो अगर गाइस आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, जैसे यूज़ स्टेट हुक में, प्रॉप्स में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल की, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या है। सो आज के इस वीडियो में यार इतना ही, जिसमें हमने कंप्लीट देखा कि हम किस तरीके से अकॉर्डियन प्रोजेक्ट को बना रहे, और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। तो बेसिकली ये एरर क्यों शो कर रहा है, तो सिंपली ये यहाँ पर हमें एक यूनिक की पास करनी होती है। सो आपको क्या करना है, हमारे पास अकॉर्डियन कंपोनेंट के अंदर आना है और आपको यहाँ पर दे देना है की, इस तरीके से की लिखना है आपको, इस तरीके से इंटर करना है। और आपको क्या बोलना है कि आपको यहाँ पर ना एक यूनिक की देना होती है, मींस यूनिक नंबर देना होता है। तो हमारे पास हर एक के अंदर यूनिक नंबर क्या है, हमारे पास हर एक के अंदर करंट एलिमेंट डॉट आई डी, वो यूनिक नंबर है। पहले के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब हर एक के अंदर यूनिक है। सो आपको की पास करनी होती है यूनिक नंबर की, जो भी चीज़ है वो आप उसमें दे देंगे तो वो एरर नहीं आएगा। सेव कर लेंगे और एक बार रिफ्रेश कर देंगे इसे। सो आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर अब देखिए कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अभी हमें क्लास नेम का एरर शो कर रहा है। सो ये क्लास नेम का मतलब ये होता है कि हमें क्लास को यूज़ नहीं करना है रिएक्ट के अंदर, हमें क्लास नेम को यूज़ करना है। तो जो हमारे पास पहले की वाला एरर था वो जा चुका है। सिंपल आपको देख लेना है कहीं पर हमने क्लास तो यूज़ नहीं किए, सिंपल वो देख लेना है आपको। देन सभी चीज़ें परफेक्ट है हमारे पास, आपको क्लास नेम यूज़ करना है, क्लास आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो आइकन है इसके अंदर हमने क्लास लिखा है। तो सिंपली इसको क्या लिख देना है आपको, क्लास नेम लिख देना है। सेव कर लेंगे तो अब ये एरर भी नहीं आएगा। सो आज की इस वीडियो में यार हमने कंप्लीट देखा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एकदम स्क्रैच से हमने अकॉर्डियन प्रोजेक्ट को बनाया, और आप लोग देख सकते हो अब कोई भी एरर नहीं है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ गाइज शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर